हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोपहर हो चुकी है, काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया। और देखो, सारा काम जब करते हैं तो हालत ऐसी होती है, ये देखो सारे बाल बिखरे हुए, ठंड है, ठंड में काम किया सारा। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में से क्या करेंगे, अब मैं कुछ सामान रखूँगी, सामान रख लूँगी, सामान लेके मैं जाऊँगी छत पे, और छत पे मैं चूल्हे की रोटियाँ बना के दिखाऊँगी क्योंकि तो। और सब्जी मैंने आज ज़्यादा नहीं, कुछ सब्जियाँ जो आती हैं ना आजकल, सब्जी ये देख लीजिए हमारी, मैंने सब्जियाँ, ये सब्जी मटर, आलू और गोभी, और मसालेदार है। इसके साथ चूल्हे की रोटी खाएंगे और घी रख के खाएंगे, और साथ में लेंगे लस्सी, क्योंकि लस्सी बनाई है मैंने, मक्खन निकाला है, मक्खन डालेंगे रोटी पे और फिर खाएंगे मज़े से, बहुत टेस्टी रोटी बनेगी। चलो चलते हैं, कुछ सामान मैं रख लेती हूँ जो मैं ऊपर लेके जाऊँगी, जिससे मैं चूल्हे पे फटाफट रोटी बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलो जी सामान हम ले चलेंगे। एक तो हम ले चलेंगे चिमटा, चिमटा तवा, ठीक है, और तवे के बाद अब मैं लेंगी फ्रिज में से, और फ्रिज में मेरे क्या रखा है, आटा। फ्रिज देखिए मैं कितना क्लीन रखती हूँ, फ्रिज मेरा बिल्कुल क्लीन है, फालतू चीज़ें नहीं रखती फ्रिज में, ज़रूरत की चीज़ें ही रखती हूँ। ये देखिए अचार वचार, दूध वूध है, सब्जियाँ हैं, ये चीज़ें मैंने फ्रिज में रखी हुई हैं दोस्तों। ये ले लिया मैंने आटा, आटे के बाद और क्या, सब्जी, और ये घी तो बच्चे ले आएंगे, और मैं ये दो तीन चीज़ें लेके चलती हूँ छत पे। चलो जी चलते हैं, और खाना बनाने के बाद, रोटी चूल्हे बनाने के बाद मैं नहाऊँगी। आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं बाद में नहाऊँगी, ये मत कहना कैसी रहती है, देखो घरेलू लेडी ऐसे ही रहती है। ठीक है, नहाने के बाद मैं दिखाऊँगी कि मैं पहले रोटी बनाऊंगी, रोटी बना के दिखाऊंगी कि रोटी कैसी बनती है चूल्हे पर, बहुत टेस्टी लगती है। आप ना दो रोटी की जगह ना चार खाओगे, डबल खाओगे, इतनी टेस्टी लगती है, और सर्दियों में तो खासकर, और साथ में उसके अगर वाइट मक्खन हो तो। ठीक है दोस्तों, मुंह में पानी मेरे आ गया है, आप लोगों को भी आया होगा ज़रूर, क्योंकि देसी खाना सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, खाने को तो लोगों के मुँह में पता नहीं क्या क्या देख के पानी आ जाता है, जैसे कुछ लोगों को दाल मखनी पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत कम खाती हूँ मैं, पनीर की डिश पसंद होती है, सबके अपनी समझ है, लेकिन मेरे को वेजिटेबल, जो हरी लीफ, जो पत्तेदार सब्जियाँ होती है वो मेरे को बहुत पसंद है, और वही मैं खाती हूँ। चलो बोर हो जाओगे इसलिए मैं छत पे चलती हूँ। बना लेती हूँ लस्सी का रायता। ये देखिए लस्सी में बहुत सारा मक्खन है, इसमें थोड़ी बूंदी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रायता खा लेंगे आज। डाल लूँगी मैं, हल्के ही डालूँगी मिर्च, क्योंकि गले में जलन कर देती है अगर ज़्यादा मिर्च खाएंगे तो, काली मिर्च ज़्यादा अच्छी होती है। नमक डालेंगे, नमक थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे लस्सी में, और इसके बाद जीरा भून के डाल लेंगे। और इसमें एक चीज़ दोस्तों, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है रायते का, एक बार कभी डाल के देखना, बहुत टेस्टी। इसके बाद मैं कर लूँगी इसको मिक्स, और ये मक्खन लगा हुआ है, ये देख लीजिए, ये थोड़ी देर में हो जाएगा रेडी। जब ये बूंदी फूल जाएगी ना तो ये अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। कितना गाढ़ा रायता है, और लस्सी वाला रायता तो ऐसे ही होता है, देखिए कितना गाढ़ा अच्छा है। ये देखिए मक्खन, वाइट मक्खन घर में बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। चलो दोस्त, छत पे मैं आ गई हूँ, और हवा बहुत तेज़ है, और ये देखें मैंने चूल्हा तो जला लिया लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। अभी फटाफट मैं रोटियाँ बना दूँगी, और धुआं बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे आज, रोटी बनाने में भी दिक्कत हो रही है तो इसलिए, लेकिन मैंने फिर भी फटाफट रोटी बना दी है क्योंकि लंच टाइम हो गया था। और रोटियाँ देखो कितनी अच्छी बन के रेडी हुई हैं, और खाने में तो स्वादिष्ट लगती हैं। ये मेरा खाना है, सबने खा लिया है, मैं ही बची हुई हूँ, मैं चूल्हे के पास बैठ के ये खाना खाऊंगी, रोटियों को गर्म कर करके दोबारा। बारिश हो रही है ये देखिए, और सन भी निकला हुआ है, बड़ा ध्यान से देखेंगे तो बादल के पीछे सन छुपा हुआ है, और बारिश हो रही है।
देखिए ठंड की बारिश। आई हूँ और ना के मैंने नाइट सूट ही पहन लिया क्योंकि मैं आज बहुत लेट नाई हूँ और अब मुझे कहीं जाना भी नहीं है और टाइम भी 4:30 का हो गया। मैं इतना लेट नाई हूँ आज, ना इसलिए हूँ क्योंकि घर में कोई गेस्ट आ गए थे, उसकी वजह से थोड़ा सा काम मेरा लेट हो गया था और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था चूल्हे पर रोटी बनाई थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहाने के बाद, नहाना ज़रूरी था क्योंकि धुआँ बहुत ज़्यादा था, धुएँ से सारा ना आँखों में पानी वानी आ गए, नहीं इतना बुरा मतलब हाल हो गया था। तो इसलिए अब नहाई तो मैंने सोचा मैं थोड़ा लेट ही नहा लूँगी। लेट नहाने के बाद नाइट सूट ही पहन लिया मैंने और उसके ऊपर डाल लिया स्वेटर। दोस्तों चलो अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ अपने व्लॉग को, फिर दोबारा मिलूँगी आप लोगों से और आप लोगों से उम्मीद है मुझे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे। दोस्तों देना ज़रूर क्योंकि मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए और हर किसी को हर मेहनत का फल मिलना चाहिए अच्छे काम के लिए। ठीक है जी, तो ठीक है, बाय, गुड नाइट दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, बाय।